Welcome back to my channel. So guys, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं. मैं नहाकर आई हूँ तो इसलिए मेरी जुल्फें थोड़ी गीली हैं. So जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज मैं, मम्मी और अभय जाने वाले हैं वेनिस 2 दिन के लिए. एक्चुअली ये मेरी चौथी या फिर 5वीं बार होने वाली है वेनिस. तो मैं वेनिस अच्छी खासी घूम चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको मेरे साथ लेके चलती हूँ और आपको भी थोड़ा बहुत इटली और थोड़ा बहुत वेनिस दिखाती हूँ. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और अभी मैं आपको मेरी फैशन दिखाती हूँ, क्योंकि मम्मी को हरा कलर बहुत ही पसंद है. तो मम्मी ने मेरे लिए ये लॉन्ग ग्रीन ड्रेस ली है, सो प्रिटी. और इस ड्रेस को मैच करने के लिए मम्मी ने ये ग्रीन कलर की सैंडल्स भी ली है. और इस ट्रॉली में है कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, क्योंकि आपको तो बताइए मैं हमेशा खाना गिराती रहती हूँ मेरे कपड़ों के ऊपर. तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े इसके अंदर रख दिए बाय चांस कोई इमरजेंसी ना हो जाए. अभी हम ट्रेन लेते हैं वेनिस जाने के लिए, तो आप भी तैयार हो जाइए और एक साथ हम वेनिस घूमते हैं. ये रही ट्रेन वेनिसा के लिए. वहाँ पर मैं हूँ, मम्मी और अबे पीछे. मम्मी एक लौंडा आ रहा है खाना लेके. मम्मी क्या लोग, वन कप प्लीज. मैं इंग्लिश में बात क्यों कर रही हूँ, मुझे तो इटालियन आती है ना. ये प्रेंदर है उनका फ्राई ग्रास से जुकरो पार्ट. अभी मैं मेरा वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ. कौन सा मुंडा कर रहा है? बंदरिया. हम इसको मुंडा नहीं बोलते, थोबड़ा बोलते हैं. अभी तक कुछ नहीं सीखा मेरे वीडियो से. चेहरा. मम्मी ट्रेन का पानी कैसा है? टेस्टी है. टेस्टी है ना? पानी पानी है. बाहर का नजारा तो देखो कितना ब्यूटीफुल है. गाइस गेस करिए मेरे साथ क्या हो गया. जो मैंने गरम गरम कॉफी ली थी ना, उसको पीने से पहले वो कॉफी मेरे कपड़े के ऊपर गिर गई. तो पूरा यहाँ पर जल गया और मैंने मेरे कपड़े भी चेंज कर लिए. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. आपको तो बताया मैं हमेशा खाना गिराती रहती हूँ मेरे कपड़ों के ऊपर. मैंने एक और नई कॉफी ले ली है गरम गरम. मजाक क्या, नीचे कॉफी गिरी जब. क्यों गरीब इंसान का मजाक उड़ा रहे मम्मी. फाउंडेशन ज्यादा मेकअप नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है. दिखता है ऐसे माता होना इसके ऊपर. गाइस अभी हम फाइनली वेनिस आ गए. चलो 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 चलो. सो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये वाली है हमारी होटल, जिसका नाम है होटल मार्टे. सो गाइस ये रही हमारी होटल, ये रहा एंट्रेंस. यहाँ पर रहा डबल बेड जहाँ पर मम्मी और मैं सोने वाले हैं. अभी मम्मी को भूख लग रही थी तो वो खाना खा रही है जो घर से लेके आए थे. ये सिंगल बेड है अबे का. यहाँ पर है अलबारी. ये रहा बाथरूम. यहाँ पर रहे 3 towels, मेरा, मम्मी का, अबे का. ये रहा सिंक. और यहाँ पर रहा नहाने का सामान, शैम्पू एंड बॉडी वॉश, सोप. ये वाला है हेयर ड्रायर. मम्मी रेडी हो गए बाहर जाने के लिए. गाइस अभी मैंने वापस पहली वाली ड्रेस पहन ली है, वो अभी सूख गई, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ही जो कॉफी की खुशबू है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है. लेकिन कोई बात नहीं, चलता है. मैंने इसको वापस इसलिए पहनी क्योंकि इस ड्रेस में जो फोटोज है ना वो बहुत ही अच्छे आएंगे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है. और अभी हम बाहर जाते हैं और वेनिस का थोड़ा बहुत टूर करते हैं. सो हमारे आज का प्लान है यहाँ पे पानी में टूर करने का वेनिस का. उसके लिए हमें नाव के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले वो लेते हैं. इटली की नहीं रहने वाली है, घूमने के लिए आई है. अंग्रेजी आते ना तो किसी की भी हेल्प कर सकते हैं. वही तो मैं इसको. और ये लोग यहाँ पे वेनिस में बिजनेस करते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आती. इंग्लिश इटली में बहुत कम आती है लोगों. तो ये रही हमारी बोट की टिकट. ये थी 21 यूरो की और 24 घंटे चलेगी. और मैंने बैग यहाँ पे सामने रख दिया क्योंकि वेनिस में बहुत सारे चोर रहते हैं, तो उसकी वजह से सेफ्टी के लिए वो हमेशा बोलते हैं कि आपको बैग ऐसे सामने रखना चाहिए. तिंकोंतरो सनोते नहीं मिस सोनी, मैं तुम्हें आज रात को मेरे सपनों में मिलूंगा. आपको सपने में कौन मिलने आएगा आज रात को? जिमिन. बढ़िया है. सपनों में आएगा, हकीकत में नहीं है. जिमिन तो करोड़ों लड़कियों के सिर्फ सपनों में ही आता है, नसीब में तो सिर्फ एक ही होगा, वो मैं. मम्मी आपको टट्टू चाहिए? नो. Of blue, I would draw ever nearer to you.
अभी हम एक ब्रिज के ऊपर है, कौन सा ब्रिज है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि वेनिस में 118 छोटे छोटे आइलैंड है, तो वो सब छोटे छोटे ब्रिज से कनेक्टेड है। तो अगर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपको ये वाले ब्रिज लेने पड़ेंगे। मम्मी को पंछियों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। ये रही गोंडोला, 80 यूरो, 80 यूरो 20-30 मिनट के कुछ ज्यादा हो जाएगा ना। कितने का है ये? 5 रुपए। अबे कौन सा चाहिए? ब्लैक वाला देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आम इंडिया का नहीं है, उसका बाजू का बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्ला में हेलो को क्या बोलते हैं? क्या हेलो? तो हेलो ये हेलो हेलो नमस्ते, जैसे कि हमारे नमस्ते होता है, नमस्ते देता है, हम लोग सलाम देता है, सलाम। बांग्ला और हिंदी थोड़ा फर्क है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, बस वो बांग्ला को थोड़ा उल्टी करेगा तो हिंदी आता है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर बार्गेन कर रही है और इमोशनल हत्याचार कर रही है। 10 मिनट हो गया, अभी भी बार्गेन चल रही है। थैंक यू अंकल जी, बाय बाय। नहीं करा वेनिस वाले भी इतनी सी इज्जत नहीं करते। कॉफी मिलती है, मुझे नहीं पता मुझे सुन रहा है नहीं सुन रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज हवा चल रही है। okay. अभी देखते हैं कितना महंगा है, अगर ज्यादा महंगा हो तो यहाँ से चले जाएंगे। मम्मी कॉफी सस्ती है, 10 यूरो की बजाय 7 यूरो है, यूजुअली 90 सेंट या 1 यूरो की आती है। एक छोटी बोतल पानी की 8 यूरो, मतलब कि लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पे। गाइज मैं बहुत ही रिबेलियस हूँ, क्योंकि मैं घर से लाया हुआ पानी यहाँ पर, जो कि यहाँ की बहुत एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ पर पीती हूँ। अगर आप कभी भी वेनिस आए ना तो घर से पानी भर के लेके आना। अरे गाइज ये वही जगह है जहाँ पर बचना है हसीनो का गाना था ना, खुदा जाने, वो यहाँ पर शूट करवाया गया था। आइसक्रीम 15 यूरो की। थैंक यू। गिलास में डाल के भी दिया मम्मी, इसलिए इतना महंगा है, समझ में आया? अगर हम खुद गिलास में डालते तो शायद सस्ता आता। क्या ये दूसरे जूस से अलग है? Not impressed. पिज्जा भी आ गई गाइज, 9 यूरो का इतू सा पिज्जा। ये दिखता बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है, मेरा हाथ इस पिज्जा से ज्यादा बड़ा है। पिज्जा तो पिज्जो खा रही है क्योंकि ये की पब्लिसिटी कर रही है। Let's try it. गुड गुड गुड। अबे ने सैंडविच ऑर्डर करी है, गुड सो सो। मम्मी इंजागी को खाना दे रही है। कबूतर जी कैसा पिज्जा है आप बताना। So guys, हमने पेट पूजा कर ली, खाना भी सारा साफ कर लिया और अभी कहाँ पर चलते हैं, पता नहीं कहाँ पर जाने वाले हैं। Let's see. मम्मी एक नंगी औरत रही यहाँ पे, शेम शेम, वाओ सेम पोज। इंजागी और उसकी गर्लफ्रेंड। अभी हम यहाँ पर आए हैं जिलातो लेने के लिए, जो कि है आइसक्रीम, यम्मी यम्मी आइसक्रीम। दी आइसक्रीम इज सो यम्मी गाइस, पूरी पिघल रही है नीचे से। इंजागी आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम खा ले इंजागी, इंजागी की तो पूरी गैंग आ गई यहाँ पे। लड़ना नहीं है इंजागी। सैडली ये वाला चर्च इसको ठीक कर रहे हैं तो हम अंदर जाके विजिट नहीं कर सकते, कंपनी ले। ये रही पानी वाली एम्बुलेंस। वो लॉन्डी अपने बॉयफ्रेंड की कैसे बैठ के मस्त मस्त फोटो खींच रही है। काश हमारा भी कोई होता ऐसे फोटो खींचने वाला, हमारा भी एक दिन आएगा, है ना बे। सो गाइस अभी 8:30 बजने वाले हैं और सनसेट आधे घंटे बाद में स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी अभी वेनिस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस लाइट में। नहीं।
The next day. Hello everyone. Good morning. आज है day 2 in Venice और ये रहा मेरा outfit. गरम गरम Italian style coffee. Look at this. कैसी है मम्मी? Tasty. So आज हम ज़्यादा time Venice में नहीं रहने वाले, सिर्फ 5-6 घंटे के लिए. और एक्चुअली मैंने आज मम्मी से एक चैलेंज हारा है, जो कि आप शायद फ्यूचर में मम्मी के चैनल पर देख सकते हैं. क्योंकि मैंने वो चैलेंज हारा है तो हमारी बेट ये थी कि अगर मैं हारूंगी तो मैं मम्मी को जो एक्सपेंसिव वाली गोंदला होती है ना, वो ब्लैक बोट, उस पर मैं मम्मी को सफारी करवाऊंगी. तो अभी हम वो गोंदला लेने वाले हैं, सर्विस से गोंदला. तो यहाँ से हम गोंदला ले सकते हैं. वो वाली है गरीबों वाली नाव जो सातिरों में मिलती है, और यहाँ पर है अमीरों वाली. सो प्रीटी, लुक एट द स्काई, ओह माय गॉड, ये आसमान कितना सुंदर है, बट नॉट एज मच एज यू. सो गाइस, अभी हम गोंदला का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक भी गोंदला नहीं है. ये वाली है, ये वाली चूज, जिसका लड़का ज्यादा हैंडसम है वो वाली लो. ये वाला ज्यादा हैंडसम है. हाँ, ये लड़का, ये लौंडा ज्यादा सुंदर है, तो हम ये वाली लेंगे. मम्मी पकड़ो, मम्मी अम्मा, यू कैन डू इट मॉम. पानी की बोतल पकड़, मेरे को बोतल. सो गाइस, अभी हम गोंदला में बैठ चुके हैं और ये रहा हमारा लौंडा. तो सो केरती को मैं थी क्या मी तो बिया तो अच्छा है रे. Davvero? Ah, grazie. I used to spend my days introducing my guitar to my pain. There's so many blue stains where my teardrops hit the page in my notebook. तो अभी हम 100 यूरो का टूर कर रहे हैं, क्योंकि हम अमीर लोग हैं तो हम 80 यूरो का नहीं कर रहे, 100 यूरो का कर रहे हैं. तो गाइस, अभी हमारा टूर कंप्लीट हो गया है. बहुत ही अच्छा था ना, है ना मम्मी? बहुत ही मजा आया ना. मजा आया. Grazie. Vabbè, aspetta. Vedi il nome del canale che ti seguo. Sì, qui in Corea. Qui in Corea. सो गाइज, अभी दोपहर के 4 बजने वाले, इसका ये मतलब है कि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया घर पर जाने के लिए. तो लेट्स गो बैक होम. बाय बाय वेनिस. गाइज, अभी हम वापस घर पर आ चुके हैं और मैं बहुत ही थकी हुई हूँ. एक्चुअली मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं सिर्फ एक ही दिन ब्लॉगिंग करूँगी और दूसरे दिन बस यू नो ऐसे वैसे घूमूंगी, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा कि सेकेंड डे मोर फन था, तो उसकी वजह से मैंने सेकेंड डे भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेरे साथ वेनिस घूमना पसंद करा होगा. और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बाय बाय इटली का वीडियो, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं कोरिया जाने के लिए. और मैं थोड़ी सैड हूँ, क्योंकि मेरे परिवार को बाय बाय बोलना है, वापस अकेला कोरिया में रहना है, अपना खाना खुद बनाना है, अकेले खाना है. आई नो कि मोंग मोंग मेरे पास है, लेकिन यू नो फैमिली वाली अलग फीलिंग आती है, सब एक साथ बैठकर टीवी देखना, खाना खाना, एक साथ हंसना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, अपनी खुद की भाषा में बात करना. सो आई थिंक आई एम गोना मिस अ लॉट इटली. लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी हूँ वापस कोरिया जाने के लिए, वापस यू नो जॉब स्टार्ट करने के लिए, वापस यू नो हार्ड वर्क करने के लिए. सो इट्स अ बिटर स्वीट फीलिंग. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. मैं आपको बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ और मैं आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. कुछ रह प्रियन, आई लव यू. बाय. स्कूजा ती वोल्यो बेने, आई एम सॉरी बट आई लव यू.